नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। बिजनौर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा की अध्यक्षता में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की नई कार्यकारिणी समिति के गठन के लिए बैठक की गई आयोजित। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा रेडक्रॉस सोसाइटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति तथा सहमति से नई कार्यकारिणी का गठन करते हुए पदाधिकारियों को किया गया नामित। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने किया चुचैला कला गौशाला का निरीक्षण। पशुओं को भूसे के साथ हरा चारा और पौष्टिक आहार मिलाकर दिए जाने के दिए निर्देश। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी ने थाना समाधान दिवस के अवसर पर सुनी फरियादियों की समस्याएं, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश। थाना नाहटौर पर अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर की गई जनसुनवाई। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित को दिए निर्देश। अफजलगढ़ के गांव सीरवासुचंद में स्कूल के समीप पानी का टैंकर खड़े रहने से राहगीरों तथा आस पड़ोस वालों को परेशानी का करना पड़ रहा सामना। ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की। संभल में अज्ञात कार सवार ने बाइक सवार दो दोस्तों को मारी टक्कर। सड़क हादसे में एक दोस्त की हुई मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अफजलगढ़ के अमानगढ़ वन क्षेत्र में सारस की ग्रीष्मकालीन गणना में सारस के कुनबे में वृद्धि होने से वन विभाग गदगद। दो दिन से चल रही सारस गणना शुक्रवार को हुई पूरी। सियोहारा में प्रेस क्लब के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन पर चार रेलगाड़ियों पर सैकड़ों यात्रियों को शीतल जल किया गया वितरण। प्रेस क्लब द्वारा यह कार्य आगे भी रहेगा जारी। किरतपुर इलाके में आवारा कुत्तों के झुंड ने मासूम बच्ची पर किया जानलेवा हमला। कुत्तों के हमले से गंभीर रूप से घायल बच्ची की हुई मौत। बच्ची की मौत से परिवार में मचा कोहराम। बिजनौर में 15 दिन से लापता एक युवक का गंगा में उतरता मिला शव। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को गंगा से निकलवाकर कराई शिनाख्त। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के बुखारा इलाके में जीआईसी के क्लर्क का संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला शव। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अमरोहा के गजरौला में महिला से ठगी का मामला आया सामने। ठगों ने महिला से दरगाह का रास्ता पूछने के दौरान घटना को दिया अंजाम। कानों के कुंडल और दो अंगूठी लेकर हुए फरार। थाना नाहटौर पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित अभियुक्त सहित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अफजलगढ़ के गांव गोवर्धनपुर नाबका में चार दिनों से बिजली आपूर्ति ठप होने से नाराज ग्रामीणों ने बिजली घर पर जमकर किया हंगामा। एसडीओ ने समस्या का जल्द समाधान करने का दिया आश्वासन। अमरोहा में बाइक सवार युवकों ने फिल्मी स्टाइल में बाइक से उतरकर दूसरी बाइक सवार युवक को पीटा। मारपीट की यह घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। थाना कैला देवी क्षेत्र के गांव रोड स्थित गांव रजेड़ा सलेमपुर के पास संभल से अलीगढ़ जा रही वैन में लगी आग। गाड़ी में लगी आग से मची अफरा तफरी। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। अब
खबरें विस्तार से। अफजलगढ़ में एक युवक ने जन्मदिन के मौके धार्मिक स्थल पर ले जाने के बहाने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया तथा घर आकर पत्नी के गायब होने का नाटक रच दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। वही शव घर पहुंचने पर गमगीन माहौल में मृतका का अंतिम संस्कार कर दिया गया। जानकारी के अनुसार रेहड़ थाना के गांव उदयपुर निवासी यशपाल सिंह पुत्र नन्हे सिंह ने 9 साल पहले अपनी पुत्री वर्षा चौहान की शादी जसपुर उत्तराखंड निवासी विशाल कुमार पुत्र संजय कुमार से की थी। यशपाल सिंह के मुताबिक शादी के बाद से ही वर्षा के ससुराल पक्ष के लोग उसका उत्पीड़न कर रहे थे। लगभग एक सप्ताह पूर्व 13 जून को विशाल वर्षा को उसके जन्मदिन पर खाटू श्याम जी राजस्थान घुमाने की बात कहकर घर से किराए की कार करके ले गया था। यशपाल सिंह का कहना है कि 17 जून को वर्षा का पति अकेला घर लौट आया और कहने लगा कि वर्षा राजस्थान में गायब हो गई। वर्षा से संपर्क न होने तथा मोबाइल फोन बंद होने पर परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। इसी दौरान 2 दिन बीतने के बाद वर्षा के मृत अवस्था में वायरल फोटो देखकर वर्षा के पिता ने उसके ससुराल पक्ष के विरुद्ध जसपुर कोतवाली में तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए राजस्थान के पाली जिले के थाना सोजत सिटी के बिलाड़ा मार्ग से वर्षा के शव को बरामद कर लिया। गोपाल सिंह थाना प्रभारी सोजत सिटी ने बताया कि 19 जून को वर्षा का शव थाना क्षेत्रांतर्गत सड़क किनारे से बरामद हुआ था। महिला की शिनाख्त के लिए सोशल साइट्स पर फोटो प्रसारित किए गए। मृतका के परिजनों द्वारा पहचान करने के बाद मृतका के भाई हिमांशु कुमार की तहरीर पर आरोपी पति विशाल, सास रजनी देवी, देवर अभिषेक, देवरानी अंजलि निवासीगण जसपुर व कार चालक मन्नू निवासी गांव मड़ुआखेंडा कोतवाली जसपुर उत्तराखंड के विरुद्ध हत्या, आपराधिक षड्यंत्र व साक्ष्य मिटाने के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी पति विशाल व कार चालक मन्नू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। उधर शनिवार को मृतका का शव घर पहुंचने पर गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। विवाहिता की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मेरा नाम हिमांशु है, मैं उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बहन की शादी जसपुर से हुई थी विशाल प्रधान से। विशाल प्रधान ने मेरी बहन को खाटू श्याम के बहाने ले जाकर राजस्थान उसके गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी सूचना मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई और मैं पाली जिले में गया, राजस्थान पाली, और वहाँ से अपनी बहन का मृतक शरीर को यहाँ लेकर आया हूँ अपने गांव में, और यहाँ पर मैंने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। अपने गांव कहाँ? उदयपुर। अमरोहा जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी द्वारा विकास खंड धनौरा के चुचैला कला में संचालित गौशाला का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिला अधिकारी ने खली छोकर हरा चारा भूसा की उपलब्धता के संबंध में खंड विकास अधिकारी धनौरा से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी को गौशाला के चारों ओर धूप से बचाव के लिए जूट के बोरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गर्मी का समय है, पशुओं के देखभाल बेहतर तरीके से की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि पूरे गौशाला के चारों ओर छांहदार वृक्ष लगाए जाएं, ताकि बड़े होने पर पशुओं के लिए छांह की व्यवस्था हो सके। उन्होंने कहा कि जो छोटे पशु हैं, बछड़े हैं, उनको अलग बांधकर चारा दिया जाए। खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि पशुओं को हरा चारा भूसे के साथ पौष्टिक आहार मिलाकर दिया जाए, गौशाला की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। खंड विकास अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि हरे चारे की बुवाई अधिक से अधिक करा दिया जाए, खाली भूसा पशुओं को नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी पशुओं का टीकाकरण करा दिया जाए, कोई भी पशु बीमार नहीं रहना चाहिए, बीमार होने पर तुरंत इलाज कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अश्विनी कुमार मिश्र, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। धामपुर की केदारनाथ धर्मशाला में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग करो हसमुख रहो पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथियों के पहुंचने पर फूलमाला एवं पटका पहनाकर स्वागत किया गया। प्रातः से ही सामूहिक रूप से योगार्थियों ने योग क्रिया का अभ्यास किया। योगाचार्य ने सैकड़ों की संख्या में आए योगार्थियों को योग कराया। कार्यक्रम के अंत में सामूहिक रूप से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस दौरान बीजेपी के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया, नीरज प्रताप, दमयंती देवी प्रेरणा संस्थान के डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, दिनेश चंद नवीन अग्रवाल, रविशंकर, सौरभ अग्रवाल, योगाचार्य अशोक गोयल सहित पतंजलि योगपीठ, महिला तहसील प्रकोष्ठ ममता जैन, मोनिका अग्रवाल, योगाचार्य कुमारी रजनी सैनी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। जनपद बिजनौर में नुमाइश प्रदर्शनी मैदान में जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र प्रताप एवं महंत ब्रह्मदास ने फीता काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कबीरदास ने जीवन भर बुराइयों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कबीर जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने का आह्वान किया। इस दौरान एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा कलेक्ट्रेट, मुख्य डाकघर, सिविल लाइन्स होते हुए राजमिलन बैंकेट हॉल पहुंची। यहां आयोजित विचार गोष्ठी में महंत ब्रह्मदास जी ने कबीरदास जी के जीवन पर प्रकाश डाला। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मैं आपका, मेरा नाम खजान सिंह भुईयार है। अच्छा, आज आप लोगों ने शोभा यात्रा निकाली है, क्या कहना है इस संबंध में? हाँ, उस संबंध में मेरा कहना यह है कि आज हमारे भुईयार समाज के लोग हमारे जनपद बिजनौर से भी और अन्य जनपदों से भी एकत्रित हुए नुमाइश ग्राउंड मैदान में, और वहाँ पर साकेत प्रताप जी जिला पंचायत अध्यक्ष ने या हमारी शोभा यात्रा का फीता काट कर शुभारम्भ किया और हजारों की संख्या में अलग अलग झांकियों के साथ, बाइक रैली के साथ और गाड़ियों के बग्गी के बैंड के साथ हमने शोभा यात्रा निकाली, जो बहुत ही सफलतम रही। जनपद में पहली बार ये शोभा यात्रा निकाली गई है और बहुत ही सफलतम शोभा यात्रा रही। अफजलगढ़ के अमानगढ़ वन क्षेत्र में सारस की ग्रीष्मकालीन गणना में सारस के कुनबे में वृद्धि होने से वन विभाग गदगद है। दो दिन से चल रही सारस गणना शुक्रवार को पूरी हो गई। क्षेत्रीय वनाधिकारी खुशबू उपाध्याय ने बताया कि वन रेंज में सारस की गणना के लिए 7 टीमें बनाई गई थीं। गणना के दौरान पीलीडाम के जसपुर कक्ष संख्या 15 में 17 वयस्क और 9 अवयस्क, नांगल में 5, मकोनिया में 22 सारस देखे गए। अब तक कुल 53 सारस देखे गए हैं, इसमें 33 वयस्क व 20 अवयस्क सारस हैं। पिछले वर्ष इनकी संख्या 53 थी, इस वर्ष एक सारस अधिक मिला है। प्रकृति प्रेमी अशोक कुमार शर्मा ने सारसों के बढ़ते कुनबे को शुभ संकेत बताया है, साथ ही कहा कि कुछ क्षेत्रों में सारस की घटती प्रजाति को देखते हुए इनके संरक्षण की महती आवश्यकता है। सारस गणना टीम में रेंज अधिकारी खुशबू उपाध्याय के नेतृत्व में विपिन कुमार, मनोज कुमार, नईम अली, फूल सिंह, जय सिंह, श्रीपाल आदि वनकर्मी सहित नेचर गाइड शामिल रहे। उधर वन अधिकारी खुशबू उपाध्याय के अनुसार सारस गणना की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। अफजलगढ़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। सियोहारा में प्रेस क्लब के तत्वाधान में रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों पर सैकड़ों यात्रियों को शीतल जल पिलाया गया। प्रेस क्लब के संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा, वीरेंद्र पुष्पक, कांता प्रसाद पुष्पक, अध्यक्ष शारिक जैदी, महामंत्री नज़्म सिद्दीकी के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। संरक्षक डॉक्टर मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि ट्रेनों में दूर दूर के यात्री सफर करते हैं, भीषण गर्मी में पानी की बहुत परेशानी होती है। प्रेस क्लब द्वारा यह कार्य आगे भी जारी रहेंगे। इस कार्यक्रम में मनोज कुमार वर्मा, वीरेंद्र पुष्पक, कांता प्रसाद पुष्पक, शारिक जैदी, नज़्म सिद्दीकी, मोहम्मद आलम, शानू सिद्दीकी, मुकेश रस्तोगी, राजा पुष्पक, नसीम अहमद, प्रशांत रस्तोगी, सरफराज सैफी,
राजीव गुप्ता, इमरान मंसूरी, शोभित, सफदर हाशमी, तारिक जैदी, फहीम जैदी और कार्यक्रम संयोजक नेपाल सिंह, कार्यक्रम सह संयोजक मोहित रस्तोगी आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्योहारा से नज्म सिद्दीकी की रिपोर्ट। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ, तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।